हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। CET एग्ज़ाम 2022 को लेकर काम शुरू हो गया है। ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं क्या काम शुरू कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, ये आपके लिए धमाकेदार नोटिस। इसके बाद मैं एक दो नोटिस और दिखाऊंगा इस चीज़ को जो प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट इमीडिएट में जो है डाला गया है, और ईमेल के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। लेटर है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जितने भी ज़िले हैं अपने, उन ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास ये नोटिस भेजा है। और क्या कहा है, रिगार्डिंग एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स फॉर द रिटन एग्ज़ाम ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा 2022 टू बी हेल्ड इन नवंबर 2022। एक तो दोस्तों ये देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने बताया था पहले तो 5 और 6 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद में ये नोटिस भी आपको नवंबर के तरफ इशारा कर रहा है। फिर आज CET का जो फीस भरने का जो टाइम एक्सटेंड किया है, 25 अगस्त तक फीस भरने का मौका दिया है जिन बच्चों की फ़ीस नहीं भरी गई थी। उस नोटिस में भी आपका जो एग्ज़ाम का जिक्र नवंबर के बारे में किया गया है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है ऑफिशियली, अब वो नवंबर 2022 में ही रहने वाला है, ठीक है। और विधानसभा में बात बोली है मुख्यमंत्री साहब ने 5 से 7 नवंबर की, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और नवंबर में कभी भी हो जाओ, आपको अपने एग्ज़ाम से मतलब है। तो यहाँ पे एक तो गुड न्यूज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा, पूरे पूरे चांसेज हैं। और OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। और यहाँ पे सभी ज़िलों के पास ही नोटिस भेजा गया है कि आप हमें 22 अगस्त तक जो आपकी लोकेशन में सेंटर है जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल है, वो डिटेल हमें दे दीजिए, ठीक है। तो ये नोटिस तो था, देखो यहाँ पे सभी ज़िले लिखे हुए हैं, पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, है ना। इसके बाद में मैं आपको कुछ जो है प्रूफ है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी हिसार की तरफ से। तो यहाँ पे जो सेंटर है हिसार लोकेशन में, उनको यहाँ पे जिक्र किया गया है, और उनके पास लेटर भेजा गया है कि एक बार जो आप डिटेल है वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, जो हिसार की लोकेशन में सेंटर है। तो ये स्टाफ है ना, ये मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है, मीटिंग के लिए ऑफिस में। और 19 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर कन्फर्म करने हैं सारे के सारे इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट और भी आई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। ये हिसार की लिस्ट है दोस्तों, ये हिसार की लिस्ट है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, फाइनल सेंटर लिस्ट है ये, और यहाँ पर देखिए नवंबर 2022, यानी कि अब सभी चीज़ें जो इशारा कर रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा ऐसा इशारा कर रही है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और दोस्तों, यदि आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं, चाहे वो CET की है, चाहे SSC की है, चाहे HSSC की है, चाहे वो हरियाणा जी के है, चाहे वो इंग्लिश है, रीजनिंग है, कुछ भी है, कोई भी बुक आप अपनी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं आप। और हर शनिवार को पूरे हरियाणा में अपना CET का ऑफलाइन टेस्ट होता है, इस शनिवार को भी है, और आपके घर के नज़दीक हमने सेंटर बना रखा है। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो KTDT ऐप से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और फुल रिकॉर्डेड बैच, क्वालिटी के मामले में हरियाणा का नंबर वन बैच है, सारा का सारा जो टीम है, कंटेंट है इसके अंदर, वो वेल क्वालिफाइड टीचर ने प्रोवाइड कर रखा है। सारे टीचर सिलेक्टेड हैं या फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, अपने फील्ड के माहिर हैं। पूरा रिकॉर्डेड बैच है, KTDT ऐप पर आप एक बार विजिट कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है, जाइए और चेकआउट कर लीजिए। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।